हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आज डीवी का दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन का डीवी कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आज का अपडेट है वो हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं कि आज जो है लगभग कितने परसेंट अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि प्रेजेंट कितनी रही, डीवी स्किप का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ, तो उस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पीएच कैंडिडेट्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित भी एक अपडेट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो आख्या वगैरह अगर किसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ओवरराइटिंग वगैरह है तो मान्य हो रही है या नहीं हो रही है। उसी के साथ ही टोटल अब तक जो दो दिन का कितना डीवी स्किप हो चुका है, अनुमानित आंकड़ा उसका भी हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप पता लग सके कि आपका जो है डीवी स्किप अभियान जो था वो कितना जो है सफल रहा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें पीएच कैंडिडेट्स को लेकर के, तो पीएच कैंडिडेट्स काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की कमेंट्स मिल रहे हैं कि ओएच कैंडिडेट्स को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर क्वालिफाई किया गया है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वहाँ पर कराया जाएगा। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी हैं तो आपको डीवी के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होगी। केवल हाँ, जानकारी मिल रही है कि आपसे एक स्टेटमेंट टाइप जो कुछ लिखवाया जा रहा है तो वो आपको लिखना होगा, और उसके बाद जो है ओएच कैंडिडेट्स की जो भी कमेंट्स मिल रहे हैं तो ओएच वाले कैंडिडेट्स को लिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी कोई भी जो है डिसीजन आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है, तो आपको अभी इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अब दोस्तों, बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित जो है अपडेट मिल रही है, तो कुछ कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस में ओवरराइड था, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर में या फिर कोई भी नेम वगैरह की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, तो उसको लेकर के उन्होंने कुछ आख्या एफिडेविट जो है बनवा रखे थे। तो वहाँ पर जो है आप लोगों का डाउट होगा कि आख्या से जो है वो मान्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित जैसा कि जानकारी मिल रही है, आयोग के पास जो है वो कई फॉर्मेट्स में वहाँ पर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में कोई मिस्टेक है तो जो है फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी जिस तरीके की मिस्टेक होगी, आपसे वही फॉर्म वहाँ पर जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि भरवाया जा रहा है, और वहाँ पर आपको जो है बोला जा रहा है कि आयोग का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, तो आपका जो है प्रोविजनल लगेगा या नहीं लगेगा इसको लेकर के जो है पूरी तरीके से आयोग ही डिसाइड करेगा। अगर आयोग आपकी आख्या या एफिडेविट वगैरह से पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो हो सकता है कि आपको कोई भी समस्या ना हो, अदरवाइज जो है आपका प्रोविजनल आयोग के द्वारा लगाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आज जो है लगभग दोनों सीटों में कितने परसेंट अभ्यर्थी अनुपस्थित देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 350 कैंडिडेट जो है परसिप्ट डीवी के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो पर डे 700 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो जिसमें से आपके जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करके 10 टेबल जो है वहाँ पर लगाए गए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि 35-35 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बांटा गया है। तो ए बी सी डी ई एफ करके कैंडिडेट्स के अलग अलग ग्रुप में जो है डीवी कराई जा रही है, तो किसी कैंडिडेट्स की जो है वो ग्रुप में से 8 कैंडिडेट्स जो है, किसी के ग्रुप में 7 कैंडिडेट, तो कहीं कहीं 10 या कहीं कहीं 4 से 5 जो है आंकड़ा भी जो है एबसेंट का रहा है। तो इसको लेकर के अगर टोटल आपको अनुमान लगाया जाए तो इसी अकॉर्डिंग जो है वो दोनों शिफ्ट में लगभग जो है आज का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 83% कैंडिडेट जो है डीवी के दौरान उपस्थित रहे, यानी कि 17 से 18% कैंडिडेट ने डीवी छोड़ा है। यानी कि अगर संख्या में देखा जाए तो लगभग जो है आज जो है वो 120 प्लस डीवी स्किप दोनों शिफ्ट को मिला करके हुआ है। तो दोस्तों, बात की जाए कि अगर दोनों दिनों को 19 और 20 सितंबर दोनों दिनों में कितना डीवी स्किप जो है टोटल अब तक अप्रॉक्स देखने के लिए मिला है, तो अब तक लगभग जो है 240 प्लस कैंडिडेट्स जो है डीवी स्किप कर चुके हैं। बाकी एक्चुअल जो डेटा होगा वो तो आयोग ही जानता होगा। दोस्तों, अगर ओवरऑल जो है अनुमान लगाया जाए दोनों दिनों का, तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि 80 से 83% कैंडिडेट्स जो है उपस्थित हो रहे हैं डीवी के लिए, और लगभग 17 से 20% कैंडिडेट जो है अनुपस्थित रहे हैं अब तक की जो बात की जाए। तो यहाँ पर जो है आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मिनिमम 5 या 8 डीवी स्किप तो आपका होना ही होना है। और दोस्तों, आपको अभी इसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पूरी तरीके से आप पॉजिटिव रहें, और आपकी जानकारी में अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पहले से ही कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, लेखपाल का डीवी कराने के बाद में लेखपाल भर्ती में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उन सभी से आप अपने अपने स्तर पर जो है आग्रह करते रहें कि जो है उनकी जगह किसी
दूसरे भाई या बहन को मौका मिल सके और उनके घर में उजाला हो सके। तो अभी आपको जो है पूरी तरीके से सकारात्मक रहना है। हो सकता है आगे चल के ये संख्या आपको 25% तक भी देखने के लिए मिले, किसी किसी दिन हो सकता है कि आपको 15% ही देखने के लिए मिले। तो ये फ्लक्चुएशन जो है लगे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ज़्यादा कैंडिडेट जो है डीवी स्किप कर दें, किसी दिन कम कैंडिडेट करें। तब पूरा जो है आंकड़ा जो है लास्ट के दिन ही पता चल पाएगा, बाकी आप अपने स्तर से प्रयास करते रहें। और दोस्तों ओबीसी वाले कैंडिडेट्स भी काफ़ी परेशान हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट उनके पास नया है या पुराना है, कौन सा ले जाएं। तो दोस्तों ओबीसी जो है सर्टिफिकेट को लेकर के इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का है तो आप वो ले जाएं, 3 साल 4 साल कितना भी पुराना हो, लेकिन आपका जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना नहीं है या खो गया है तो आप नया बनवा कर भी ले जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। आप इसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो दोस्तों। और कोई अगर आपकी डीवी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।